Hi guys, before proceeding with the analysis of this question, let me give you some important information. इस पूरी exercise की जो playlist का link है वो आपको description और comment section में मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पूरी exercise का बहुत अच्छे से prepare कर सकते हो। इस playlist में मैंने एक एक concept, एक एक question पूरे अच्छे से explain किया हुआ है। वाइल प्रिपेयरिंग द एक्सरसाइज अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट पर, तो आप अपना जो डाउट है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना। इन द अपकमिंग लेक्चर जो भी आपका डाउट होगा उसको मैं उसका एनालिसिस मैं आपको करवा दूंगा, जिससे क्या होगा ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल से दिस इज द सर्कल and this is the chord, this is the chord, and say this is the center. As per question, जो center पे जो angle है वो 90 degree है, ये जो angle है वो 90 degree है, this angle is 90 degree. A chord of a circle of radius 10 centimeter, say O A B, radius 10 centimeter है तो ये भी 10 centimeter होगा, O B भी radius है तो ये भी कितना होगा आपका 10 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट, और यहां पर पाई की वैल्यू जो है आपको 3.14 लेनी है, पाई की वैल्यू जो है 3.14 लेनी है। हमें क्या फाइंड करना, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। देखो ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट, और फाइंड करना मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर हो गया आपका। देखो जहां तक माइनर सेगमेंट की बात है, से ये आपका पॉइंट हो गया पी, तो अगर मुझे माइनर सेगमेंट निकालना तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड करना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, विच वन, ओ ए पी बी, ये पूरा माइनर सेक्टर है आपका, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, विच विल बी इक्वल टू थीटा बाय 360, इसको थीटा वन ले लेते हैं, ये जो एंगल है थीटा वन हो जाएगा, थीटा वन बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एज पर क्वेश्चन थीटा वन कितना आपका, दिस इज थीटा वन, से दिस इज थीटा वन, ये जो एंगल है आपका ये थीटा वन है, तो थीटा वन की जगह आप लोगे 90 बाय 360, पाई की जगह हम पुट करेंगे 3.14, और रेडियस कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, तो 10 इंटू 10 100, डेसिमल रिमूव करोगे तो ये भी 100 हो जाएगा आपका। वाइल सॉल्विंग दिस, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो 9 1 9 9 4 36, देन 2 2 4, 2 1 2 1 1 2 5 10 2 7 14, तो ये आ गया आपका 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 157/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज ओ ए बी, ओ ए बी भाई बेस भी है हाइट भी है बिकॉज राइट ट्राइंगल है, तो इट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ से बेस इज ओ ए एंड हाइट इज ओ बी, ओ बी, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो 2 5 10, ये आपका आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना आ गया आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आ गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विच विल बी इक्वल टू, विच विल बी इक्वल टू से दिस इज ए वन एंड दिस इज ए टू, दिस इज ए टू, विच विल बी इक्वल टू ए वन माइनस ए टू, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर इज 157/2, तो ये हो जाएगा आपका 157/2 और ये हो जाएगा आपका 50, तो जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 157 और 52 जा क्या हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 57/2, दैट इज 2 2 जा 4, 1 7 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, से इफ दिस एंगल इज थीटा वन, इफ दिस एंगल इज थीटा वन
देन से दिस एंगल इज थीटा टू विच इज द एंगल ऑफ मेजर सेक्टर थीटा टू विच इज द एंगल ऑफ मेजर सेक्टर तो एरिया मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा थीटा टू बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर देन थीटा टू विल बी इक्वल टू देखो पूरा जो एंगल होता है पूरा जो ये सर्कल होता है 360 डिग्री का होता है इसमें से थीटा वन जो है ये आप माइनस कर दो तो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री इट विल बी इक्वल टू जीरो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 270 डिग्री तो थीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई 270 डिग्री तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लेट अस से इट इज A3 तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 70 अपॉन 360 इंटू पाई क्वेश्चन में पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14 देन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर दैट इज 100 ये क्लियर हो गया डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 100 और 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा नाउ व्हाट वी विल हैव देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 9 3 जा 27 9 4 जा 36 तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 3 1 4 इंटू 3 3 4 जा 12 3 1 जा 3 और 1 4 3 3 जा 9 ये हो गया 942/4 विच इज 2 2 जा 4 2 4 जा 8 1 4 2 7 जा 14 2 1 जा 2 अब 471 को 2 से डिवाइड कर दो 471 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 2 2 जा 4 देन 7 2 3 जा 6 1 1 2 5 जा 10 1 0 डेसिमल 2 5 जा 10 तो फाइनल आंसर विल बी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की जो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है आपका इट विल बी इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इट क्लियर ठीक है दिस इज फॉर टूडेज क्लास आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा सो बाय टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे